गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट माय ऑनलाइन क्लास। आपको पता है कि चैप्टर वन में सिर्फ 1.3 तक ही एक्सरसाइज है, तो 1.3 आपका फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर टू है, उसके पहले एक्सरसाइज 1.3 के बाद रोमन न्यूमरल्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके रूल्स वहाँ पर दिए गए हैं, बट इससे रिलेटेड कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आप इसको फेयर कॉपी में इसके रूल्स को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, आपको पता है 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000 से ही सारे रोमन नंबर्स की वैल्यूज बनी हैं। 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000 की रोमन वैल्यू है 1 की i, 5 का v, 10 का x, 50 का l, 100 का c, 500 d, 1000 m। नाउ रूल्स फॉर राइटिंग द नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स। फर्स्ट रूल, न्यूमरल्स VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड एंड रिपीटेड, नेवर रिपीटेड। VLD, रोमन न्यूमरल्स VLD की वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होती और कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर कहीं VLD की वैल्यू रिपीट हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो आप समझिएगा कि वो रोमन नंबर गलत लिखा गया है। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी एंड यक्स ओनली। आई जो है सिर्फ बी और यक्स से सब्ट्रैक्ट होता है और किसी से नहीं। यक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम यल एंड सी ओनली। यक्स की वैल्यू जो है हमेशा यल और सी से सब्ट्रैक्ट होगी और किसी नंबर से नहीं। सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड यम ओनली। सी जो है वो डी और यम से ही सब्ट्रैक्ट होता है। ये होमवर्क जो लिखा गया है, ये 5th का होमवर्क था, लेकिन आपका भी यही होमवर्क है, ये कॉमन होमवर्क है दोनों के लिए। तो नेक्स्ट आगे जो रूल है वो है रूल नंबर 5। इफ़ ए स्मॉलर न्यूमरल्स फॉलोज ए लार्जर न्यूमरल्स, द न्यूमरल्स आर एडेड। अगर कोई छोटा रोमन नंबर लार्जर मतलब बड़े रोमन नंबर को फॉलो कर रहा है, मतलब उसके आगे है, तो वो रोमन नंबर उसमें ऐड हो जाता है। जैसे 522 है, 522 में इसको रोमन नंबर में लिखने के लिए हमने 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लिया है, इसको बांट दिया है 500 + 20 + 2। तो 500 की रोमन वैल्यू है डी, उसके बाद है यक्स यक्स प्लस आई आई। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डी के बाद जो छोटे रोमन न्यूमरल्स हैं, डी यक्स और आई से बड़ा है, तो डी के बाद जो छोटे रोमन न्यूमरल्स हैं वो हमेशा क्या हो जाएंगे, बड़े रोमन न्यूमरल्स में ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट, इफ़ ए स्मॉलर न्यूमरल्स अपीयर्स बिफोर ए लार्जर न्यूमरल्स, देन स्मॉलर न्यूमरल्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लार्जर। अगर कोई छोटा न्यूमरल, छोटा रोमन नंबर है और बड़े रोमन नंबर के पहले लिखा गया है, तो वो हमेशा बड़े रोमन नंबर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे 40 की वैल्यू है, 40 का रोमन नंबर XL होता है, L की वैल्यू 50 होती है और X की वैल्यू 10 होती है, तो 50 से 10 माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगी इसकी वैल्यू 40। ऐसे ही XC मतलब C की वैल्यू 100 और X उसके लेफ्ट में है, अगर लेफ्ट में है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 100 - 10 = 90। नेक्स्ट, न्यूमरल्स IXC एंड M कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। रोमन न्यूमरल्स IXC और M वो 3 बार से ज़्यादा कभी भी रिपीट नहीं होगी। अगर 3 बार से ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब वो रोमन नंबर गलत लिखा गया है। नेक्स्ट, व्हेन ए स्मॉलर न्यूमरल्स इन रिटर्न बिटवीन 2 लार्जर न्यूमरल्स, इट इज़ ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल्स जस्ट आफ्टर इट। अगर किन्हीं 2 लार्जर न्यूमरल्स के बीच में, अगर किन्हीं 2 लार्जर न्यूमरल्स के बीच में स्मॉलर न्यूमरल्स लिखा गया है, तो वो अपने राइट साइड के लार्जर न्यूमरल से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यक्स आई यक्स लिखा गया है, यक्स इधर भी है और यक्स इधर भी है, बीच में आई है, आई के लेफ्ट और राइट दोनों में, दोनों तरफ लार्जर न्यूमरल्स हैं, तो हमेशा ये आई जो है अपने राइट साइड के लार्जर न्यूमरल से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब 10 + 10 - 1, आई के राइट में 10 है और आई के लेफ्ट में भी 10 है, तो ये राइट वाले 10 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आई की वैल्यू 1 है, तो 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा 90। और ऐसा नहीं होगा ये कि 10
11, एक्स आई की वैल्यू 11 प्लस एक्स की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 21, ये रॉन्ग है, ये सही है। नेक्स्ट, एक्स एक्स आई भी मीन्स 24, एक्स एक्स आई भी, तो एक्स एंड एक्स आई जस्ट आफ्टर वी, तो आई के बाद भी है, मतलब आई के राइट साइड में भी है, बी की वैल्यू 5 है और एक्स एक्स की वैल्यू 10 प्लस 10 20 है, वी की वैल्यू 5 है, 5 मीन्स 5 से 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा, ना कि वो एक्स की वैल्यू 10 और एक्स आई की वैल्यू 11 प्लस वी की वैल्यू 5, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा, इसकी वैल्यू ये होगी 10 प्लस 10 10 प्लस 10 प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 24, दिस इज राइट, बट ये रॉन्ग है। आपका भी होमवर्क है रीड एंड राइट द रूल राइटिंग द रोमन न्यूमरल्स, आपको इसको पढ़ना है, इससे रिलेटेड 2-4 एग्जांपल क्लास 5th की बुक में है, उसमें से आप सॉल्व करिएगा और इसके रूल्स को फेयर कॉपी पे लिखिएगा। थैंक यू।